हेलो यूट्यूब फैमिली, आज है बहुत ही बोरिंग सा डे था तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा कि चलो सिंपल सी दाल बनाते हैं। आज मसूर की दाल बनाएंगे और फिर दोपहर गर्मा गर्म दाल के साथ खाना खाएंगे। तो यहाँ मैंने कुकर चढ़ा दिया है, इस कुकर में डाल रही हूँ मैं मसाले, जिसमें मैंने डाली है मिर्च, हल्दी, धनिया और नमक। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल का, और मुझे थोड़ी सी दाल, पतली वाली दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी इस दाल को बनाकर खाइएगा, आपको अच्छी लगेगी। और देखिए, दाल मैंने धो ली है, धोने के बाद इस दाल को भी इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा पानी गर्म हो जाएगा दाल का। देखिए, ये दाल डालती हुई मैं अच्छी तरीके से दाल मैंने धोकर इसमें डाल दी है, और उसके बाद इसको हम चला देंगे। ये दाल बहुत टेस्टी होती है और बहुत अच्छी लगती है। जब पकाने के लिए कुछ भी नहीं होता तो अक्सर हम ये सिंपल वाली दाल बनाते हैं और बड़े मज़े से खाते हैं। ये दाल खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इधर मैंने दाल का तड़का तैयार कर लिया है, जिसे मैं लहसुन और लाल मिर्च के साथ भंगारूंगी। तो ये दाल बहुत अच्छी और टेस्टी होती है। लहसुन का तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें और भी तड़के में चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन मुझे सिर्फ लहसुन और लाल मिर्च का ही तड़का पसंद है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ लहसुन और लाल मिर्च का ही तड़का लगाऊंगी। और देखिए, ये दाल जब खूब अच्छी तरीके से गर्म होने लगेगी तो पकते पकते इसमें इस तरह से बनने लगी, समझ लीजिए आपकी दाल बनकर तैयार है। बस इसको हम हल्के हल्के हाथों से चलाएंगे, ज़्यादा तेज़ हाथों से हम दाल नहीं चलाते। और उसके बाद हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है एक दूसरे बाउल में। और देखिए, तड़का बना रही हूँ मैं दाल का, इसके लिए हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल। ये पीली सरसों का तेल है, इसलिए ज़्यादा पीला दिख रहा है आपको। ये तेल बहुत अच्छा होता है और आप भी इसी तेल को खाया करें। थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन ये तेल ज़्यादा अच्छा होता है सरसों का। और इसमें सबसे पहले तेल गरम करने के बाद थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि इसमें धुआं निकल रहा है या नहीं। जैसे ही तेल में हल्का हल्का धुआं निकलना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन डाल देंगे। और लहसुन डालने के बाद हम इसमें फ़ौरन ही जो है थोड़ी देर में लाल मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्चों को हमने छोटा छोटा टुकड़ों में कर लिया था। और उसके बाद देखिए, हमारा लहसुन कितनी अच्छी तरीके से भुन रहा है। जब लहसुन अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो इसका हम दाल में तड़का लगाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हींग ज़रूर डालेंगे तड़के में। हींग डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बगैर हींग के दाल में मज़ा नहीं आता। और ये देखिए, हमने लगा दिया है दाल में तड़का। इस कंडीशन पे आप थोड़ी सी हींग ऊपर से और डाल दीजिए। मैंने इसमें दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन मैंने हींग डाली थी। और दाल का मज़ा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।